हेलो एवरीवन, आज अभी स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग जी। यस सर, आज से टैक्सेशन क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। हमने अकाउंटिंग बेसिक और कुछ टैली के फीचर्स हमने देखे थे और एक्सेल हमने पूरा कवर कर लिया था। यस सर, टैली में हमारा एक तो टैक्सेशन पार्ट है वो रह गया था, और टैक्सेशन पार्ट में जैसे TDS से रिलेटेड और GST से रिलेटेड हमारे पार्ट्स रह गए थे। तो हम जैसे ही हम इनकम टैक्स का TDS वाला पार्ट देखेंगे तब हम टेली वाला कंप्लीट करेंगे, और GST वाला जब देखेंगे तब GST वाला पार्ट टेली में कंप्लीट करेंगे। सर, इनकम टैक्स वाला भी टेली में होगा क्या? हाँ, इनकम टैक्स वाला आ गया ना TDS से रिलेटेड। ओके, क्योंकि टेली में तो TDS से रिलेटेड ही हो सकता है, उसकी रिटर्न कैसे सबमिट होगी। तो रिटर्न करने के लिए तो ये है कि उस डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट होगा TDS से, मतलब टेली से, TDS से रिलेटेड। हाँ, तो वही उसमें बताया जाएगा। और GST से रिलेटेड यही है कि रिटर्न वगैरह कैसे सबमिट होगी उसकी, तो डेटा कैसे निकलेगा। GST R2 वाला हो गया, GST R1 से रिलेटेड हो गया। तो जब तक आपको मैं GST R1, GST R2 इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं कराऊंगा तब तक वो टेली में बताना बेकार है, क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा। तभी मैंने ये पार्ट है बाद में रखे हैं। अच्छा, तो आज से जैसे इनकम टैक्स अभी स्टार्ट होने वाला है, तो इनकम टैक्स में अभी तो बेसिक। हाँ जी सर, पहले आप GST कराएंगे, उसके बाद इनकम टैक्स बताएंगे, मतलब TDS TCS? नहीं, पहले मैं आपको इनकम टैक्स कराऊंगा। तो इनकम टैक्स का पार्ट ही, मतलब इनकम टैक्स के अंदर ही TDS आता है। ओके, और GST? GST फिर इनकम टैक्स के बाद। ओके सर, क्योंकि मैं साथ अगर रखूंगा GST और TDS, तो GST और इनकम टैक्स साथ रखूंगा तो बस कंफ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। ओके सर, वैसे इनकम टैक्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो मैं जो थ्योरेटिकल पार्ट जो इनकम टैक्स का है वो मैं कम से कम रखूँगा, ज़्यादातर मैं प्रैक्टिकली बताऊँगा। ओके सर, तो अभी स्टार्ट करें क्लास? यस सर। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है बिल्कुल वॉइस। ओके, ये स्लाइड आपको दिख रही है? देखिए, इस स्लाइड में मोस्टली पार्ट थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल आपको मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ये आपको या तो मैं शेयर कर दूंगा, इससे रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैं बस मोटा मोटा आपको मैं ये बता देता हूँ कि टैक्स की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मतलब इसका ओरिजिन क्या है टैक्स का, तो आप चेक कर सकते हैं। जो टैक्स का ओरिजिन है वो अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से हुआ है। अगर आप अर्थशास्त्र अगर पढ़ेंगे तो उसमें टैक्स का मेंशन है, और अगर मनुस्मृति भी पढ़ेंगे तब भी उसमें टैक्स का मेंशन है। तो आपको मतलब इतनी डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर मान लो जैसे आपका अगर LLB स्टूडेंट है तो 6th सेमेस्टर में आपका टैक्स का एक पार्ट आएगा, टैक्स का एक सब्जेक्ट है, तो उसमें मे भी ये यूज़फुल हो सकता है। वैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। और अगर हम फिर थोड़ा आगे बढ़ें, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से अगर हम आगे बढ़ें, तो जब अंग्रेज़ों का शासन था तो सर जेम्स विलियमसन ने 1860 में इसका एक वो कि आधुनिक भारत प्रणाली की नींव रखी थी इन्होंने। मतलब कि जो अंग्रेज़ों ने, मतलब इंग्लैंड में जो टैक्स सिस्टम था वो उन्होंने इंडिया में लाया था, तो वो 1860 से स्टार्ट हो गया था ऐसा। और 1886 से 1960 तक वो चेंजेस होते रहे, बार बार में संशोधन होते रहे जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट पड़ी। क्योंकि जब इंग्लैंड में जो टैक्स सिस्टम था वो इंग्लैंड के हिसाब से था, बट इंडिया में सब कुछ चेंज था, तो उन्होंने इंडिया के बेस पे सब कुछ चेंज करते गए वो, बट उसमें बहुत टाइम लग गया। उसके बाद लास्ट में 1961 में फाइनली इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो पारित हो गया। सर, एक टिप्पणी करनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, अमेरिका के अंदर एक पहले घटना घटी थी, हिस्ट्री में पढ़ाते हैं, बोस्टन टी पार्टी। तो आपको पता है उन्होंने कितने परसेंट टैक्स पे की थी बोस्टन टी पार्टी? नहीं यार, इतनी हिस्ट्री का तो आईडिया नहीं है मुझे। सर, 5% टैक्स पे उन्होंने इतना हल्ला मचाया था सर, 5%। अच्छा जी,
और आज इतना लगता है, आज उसके साथ हर कोई ओके। ये तो होता ही है, टाइम के साथ ही सब चेंज हो जाता है। वही तो सर, 5% के ऊपर अंग्रेज हो गए तो नुकसान क्या था अमेरिकन से। हाँ जी हाँ जी, अब तो देखिए आप, अगर आपका टैक्स ब्रैकेट अगर 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स से ऊपर पड़ता है आपका। वही मैं कह रहा हूँ, आज इतना ज्यादा पे करना पड़ता है। तो ये तो इनकम टैक्स है, पर जीएसटी वो इनडायरेक्ट टैक्स है, वो अलग है। और पता नहीं कहाँ कितने कितने चार्जेस, आप टोल टैक्स ले लो, कितने ले लो, आप अगर मूवी देखने जा रहे हो तो उसमें टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स है, आप जहाँ देखोगे वहीं टैक्स ही टैक्स है। तो देखिए इसमें बस ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें हम अगर हम स्टार्ट करें कि कहाँ से ये टैक्स की स्टार्ट हुआ था, तो अर्थशास्त्र मनुस्मृति से हुआ था। बाद में जब अंग्रेज आए तो 1860 में सर जेम्स विलियमसन ने इसकी एक नींव रखी थी। उसके बाद 1886 से 1960 तक ये चेंज होते गए बार बार में। अब फाइनली फिर 1961 में इसका इनकम टैक्स एक्ट पारित हो गया। अब इनकम टैक्स एक्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हैं, द इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो इसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं, चैप्टर्स हैं, चलो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। उसके बाद हम ये चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को कहाँ से पावर आती है टैक्स कलेक्ट करने की। मतलब कोई भी आप बोल सकता है कि भैया आप टैक्स क्यों कलेक्ट कर रहे हो, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सबसे बड़ा लॉ होता है, ठीक है। तो उसमें आप अगर चेक कर सकते हैं, इसमें ये बोला गया है कि कर लगाने का अधिकार भारत के संविधान से लिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बोलता है कि आपको टैक्स लेना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे कोई लॉ स्टूडेंट है, उन्होंने अगर रीड किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 में बोला गया है कि, इसको हम अनुच्छेद 265 भी बोलते हैं, तो उसमें ये बोला गया कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। या बोल सकते हैं कि एन इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पावर इज आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट, मतलब क्या बोलता है 265 कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाई अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो इसका मतलब ये है कि 265 में ही बोला गया है कि आपको टैक्स लेना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है। और उसके बाद एक लिस्ट ऑफ टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बताया गया है, जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के द्वारा बताया गया है। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स लेगा, कि स्टेट गवर्नमेंट है वो कौन सा टैक्स लेगा। अगर हम सीधी सी बात करें, स्टेट गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स लेगा, कस्टम ड्यूटी लेगा, एक्साइज ड्यूटी लेगा, जीएसटी लेगा। जीएसटी तो सबने सुना है, इनकम टैक्स भी सबने सुना है। कस्टम ड्यूटी वो होता है जो भी हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, तो उस पर हमको एक कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है। और एक होती है एक्साइज ड्यूटी। एक्चुअल में एक्साइज ड्यूटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। तो जब जीएसटी आया तो एक्साइज ड्यूटी एबोलिश हो गई, बट कुछ प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है और साथ में जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। एक एग्जांपल दे सकते हैं किन प्रोडक्ट्स पे एक्साइज ड्यूटी है? एक्साइज ड्यूटी जैसे नॉर्मली आप अगर कोई साबुन आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ओके, ठीक है, तो जैसे वो फैक्ट्री से बाहर हुई तो उसको एक एक्साइज ड्यूटी, एक टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बीएचएल है, बीएचएल कोई भी मशीनरी अगर बना रही है और बाद में वो मार्केट में बेच रही है किसी को, तो वो उसको बिल करेगी कोई भी पार्टी को, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी एक टैक्स लगाएगी, ठीक है, वो 10% 12% जो भी उसका रेट है। बट जीएसटी आने के बाद वो ख़त्म हो गया है, अब वो टोटल वो जीएसटी के अंदर ही आ गया है। बट कुछ प्रोडक्ट भी अभी भी एक्साइज ड्यूटी है, वो कुछ जब वो लिमिटेड लिस्ट है। हाँ जी सर, जो सेस होता है वो टैक्स से अलग होता है या टैक्स का ही पार्ट होता है? देखो सेस जो होता है वो कई बार ये होता है ना कि जैसे सेस इनकम टैक्स पे भी लग सकता है, कस्टम ड्यूटी पे भी लग सकता है, एक्साइज ड्यूटी पे भी लग सकता है, ठीक है, वो उसका एक सब्सिडरी होता है ये बोल सकते हो, ठीक है, वो टैक्स नहीं होता, उसका एक पार्ट होता है। क्या है? है जी? होता क्या है ये मेन? जैसे ही होता है ना कि जैसे मान लो मैंने एक आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, तो इनकम टैक्स में आपकी जो कुछ स्लैब रेट है या अगर अगर कंपनी है तो उस पर डायरेक्ट 20% या 30% टैक्स रेट लगता है। उसके बाद जैसे ये होता है कि गवर्नमेंट ये सोचती है कि नहीं मुझे एक टैक्स और इसको बढ़ाना चाहिए, बट कई बार ये होता है कि नहीं, ये तो डायरेक्ट अगर मैं रेट अगर मैं बढ़ा दी तो ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो मैं एज ए इनडायरेक्ट रूप से उस पर एक मैंने 2% या 1% एक सेस लगा दिया। और सेस कोई पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, जैसे अगर आप राजस्थान में देखेंगे, अगर वो रजिस्ट्री होती है राजस्थान में कोई भी प्रॉपर्टी की, तो उसमें एक काउ सेस लगाया जाता है। तो सेस कोई एक पर्पज़ के लिए भी बोल सकते हो कि एक पर्पज
कोई पर्पज को फुलफिल करने के लिए एक अलग से एक छोटा सा टैक्स लगा दिया, तो अलग से तो एक लॉ बना नहीं सकते कि एक टैक्स लगाने के लिए एक अलग से लॉ बना दिया। तो इससे अच्छा तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि जो रेगुलर जो टैक्स लग रहा है उसी भी एक छोटा सा एक पार्ट घुसा दो, ठीक है, तो लोग ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी नहीं करेंगे। तो जैसे एक आपने अगर देखा होगा कृषि कल्याण शेष एक आया था पहले, अच्छा एक कृषि कल्याण शेष आया था, तो उसमें ये हुआ था कि अगर कोई भी कृषक है, कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पर्सन है, उसको कल्याण करने के लिए, ठीक है, इनका इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक हम शेष लेंगे, एक हम एक ये पार्ट ये टैक्स ही है ये बोल सकते हो, बट ये दूसरे कोई अलग तरीके से बोलने के लिए है, या बोल सकते हो कि कोई पर्पज को फुलफिल करने के लिए है, जैसे काउ शेष हो गया, कृषि कल्याण शेष हो गया, एजुकेशन शेष हो गया, तो कोई भी पर्पज के लिए अगर कोई भी टैक्स लिया जाए उसको हम शेष बोलते हैं, इक्वल टू ये टैक्स ही बोल सकते हो उसको, क्योंकि हम अलग से तो कृषि कल्याण शेष के लिए अलग से आप लो बनाओगे तो दुनिया में कितने लोग हो जाएंगे, तो आप यही हाँ बोल सकते जी हो कि इसका एक पार्ट है छोटा सा, बट कोई ना कोई एक रीजन के लिए हो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट कर सकती है, इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, मैं आपको कस्टम ड्यूटी भी बताऊंगा, इनकम टैक्स भी बताऊंगा, एक्साइज ड्यूटी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया है, बट कुछ प्रोडक्ट पे अभी भी एक्साइज ड्यूटी है, जब मैं आपको जीएसटी बताऊंगा तब तो उसमें कवर होगा वो, जैसे पेट्रोलियम है उस पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी नहीं है, जैसे आप पेट्रोल पे करते हो तो उस पर जीएसटी तो अप्लीकेबल होता नहीं है, अगर जीएसटी अप्लीकेबल होता तो सस्ता हो जाता। अब स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा टैक्स ले सकती है, जैसे लैंड रेवेन्यू ले सकती है, कोई भी रजिस्ट्री होती है उसमें लैंड रेवेन्यू उस पर अप्लीकेबल हो गया, वो स्टेट कलेक्ट करती है, ठीक है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स जो भी अगर लगता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टोल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, जितने भी इस टाइप के टैक्स हैं उसको स्टेट कलेक्ट करता है। तो ये कहाँ बताया गया है, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट है एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक एंट्री 82 भी आती है जो लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें भी यही बताया गया है कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 82 संसद को कृषि आय के अलावा अन्य आय पर कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ेंगे इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो ये ज़्यादा कोई इस पर इनकम टैक्स के लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिटेल है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ पर ये इनकम टैक्स और जीएसटी या डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ फिट होता है। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसके मान लो 3 पार्ट हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो 3 तरीके से काम करवाता है या 3 तरीके से पावर देता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटर ऑफ पार्लियामेंट, और एक होता है जुडिशरी। जुडिशरी तो आपने सुना होगा सभी ने, हाँ, सब सुना है। तो जुडिशरी में तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आ गया, ठीक है, फिर लेजिस्लेटर वो पार्लियामेंट में है कि कहाँ से जो भी लॉ बनता है वो सब लोकसभा और राज्यसभा से बनता है, और उसका जो मेन पर्पस जो होता है कि वो अब जो लॉ बन गया तो उसको हम अप्लीकेबल कैसे करवाएंगे, एग्जीक्यूट कैसे करवाएंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए उनके पास 2 बॉडी है, एक है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, और एक होता है मिनिस्ट्री। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इतना रोल नहीं होता जितना मिनिस्ट्री का रोल होता है इसमें। तो मिनिस्ट्री में देखें, मिनिस्ट्री तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो सकती है, आयुष मिनिस्ट्री हो सकती है, लॉ मिनिस्ट्री हो सकती है, या कोल मिनिस्ट्री हो सकती है, कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है। अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी हमारी 2 पार्ट में कन्वर्ट है, 2 पार्ट में बटी हुई है। फर्स्ट आती है रेवेन्यू और सेकेंड आती है एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का क्या मतलब कि वो कहाँ से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कहाँ से इनकम आएगी, उसकी कहाँ से पैसे आएंगे उसके पास, उसकी रेवेन्यू क्या है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है एक्सपेंडिचर की, जहाँ से पैसे आएंगे उस पैसे को वो यूज क्या करेगी, जैसे ब्रिज बनाने में यूज करेगी, रोड बनाने में यूज करेगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यूज करेगी, ठीक है। जब बजट आता है ना मंथली ईयरली जो भी बजट आता है तो उसमें जब वो एक्सपेंडिचर का एक बजट होता है सब में, ठीक है, तो मेडिकल से रिलेटेड हो गया, डिफेंस से रिलेटेड हो गया, जितने भी एक्सपेंडिचर है तो वो कहाँ से एक्सपेंडिचर करती है, कहाँ से खर्चा करती है, उसके पास कोई ना कोई तो रेवेन्यू का पार्ट हो गया तभी तो वो खर्चा करेगी। और रेवेन्यू कहाँ से आया है उसका, रेवेन्यू उसका जो मेन पार्ट है उसका रेवेन्यू का वो है टैक्स। उसके पास टैक्स आएगा तभी तो रेवेन्यू होगा ना। अब टैक्स है वो 2 तरीके से आ सकता है उसके पास। अब उसकी भी 2 बॉडी है, जो रेवेन्यू की है 2 बॉडी है,
इसकी फाइनेंस मिनिस्ट्री की फर्स्ट बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आप चेक कर सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और सेकंड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्ट टैक्स है वो इसमें कवर होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले वेल्थ टैक्स एक्ट था, वो अलग से था, बट वो अभी हट गया है, अब बस इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जो डायरेक्ट टैक्स में आता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हो गया, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें इनकम टैक्स आता है। फिर होता सर, है से हाँ जी, जो पहले वैट लगता था वो किसमें लगता था, इनडायरेक्ट टैक्स। वो इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में। ओके ठीक है। अब होता है एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें क्या आता है, तो इसमें जीएसटी एक्ट आता है जो 2017 में आया था, उसके बाद आता है कस्टम ड्यूटी एक्ट। ठीक है, जीएसटी में देखिए पहले वैट लगता था, सीएसटी लगता था, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया जिसको वैट बोलते हैं, और एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, जो भी सर्विसेज थी उस पर सर्विस टैक्स लगता था, और जो भी गुड्स था उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी या सेल्स टैक्स लगेगा, सारा लगेगा ना, तो उन सबको हटा के जीएसटी एक्ट आ गया है। उसके बाद एक है कस्टम ड्यूटी एक्ट। कस्टम ड्यूटी में क्या आएगा, कस्टम ड्यूटी में अगर आप कोई भी इम्पोर्ट करोगे, अगर फॉरेन से कोई भी आप इम्पोर्ट कर रहे हो, और इवन कि आप अगर फॉरेन से इम्पोर्ट नहीं कर रहे हो, आप इंडिया से भी कई जगह से परचेज करोगे ना, उस पर भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। वो कहाँ कहाँ लगेगी मैं कस्टम ड्यूटी में बताऊँगा। कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, ठीक है, वहाँ से अगर आप परचेज करते हो तो इक्वल टू ये माना जाएगा कि वो आप इम्पोर्ट कर रहे हो वहाँ से, वो चाहे आप हरियाणा में हो या दिल्ली में हो या कहीं भी हो, वो कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसकी एक लिस्ट है। और स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई भी कंपनी कहीं से भी अगर वो करेगी, परचेज करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर इंडिया में है कहीं भी, अगर वो कहीं से अगर उसमें अगर कंपनी कोई आती है और वो इंडिया में कहीं से भी परचेज करती है, तो वो इक्वल टू ये माना जाएगा कि वो इंपोर्ट कर रही है। और अगर वो सेल करती है कहीं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर हमने परचेज किया है तो हमारा इंपोर्ट हो गया, तो इक्वल टू उसका एक्सपोर्ट हो गया वो। तो ये जब कस्टम ड्यूटी बताऊंगा जब डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है। एक होती है एक्साइज ड्यूटी, तो एक्साइज ड्यूटी तो वैसे जीएसटी एक्ट में चली गई है, बट कुछ पार्ट्स हैं भी, कुछ भी प्रोडक्ट हैं जो एक्साइज ड्यूटी अप्लीकेबल है उस पर। तो ये समझ में आया कुछ? इसमें जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके जैसे मान लीजिए तीन तरीके से वो काम करवाती है। एक तो जुडिशरी के थ्रू काम करवाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट आता है, उसके बाद जो लेजिस्लेटर और पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा और राज्यसभा, ये एक्ट पारित करती है। उस एक्ट को जब एग्जीक्यूट करना होता है तो वो मिनिस्ट्री के थ्रू करवाती है वो। अब मिनिस्ट्री में जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की हम बात करें, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो पार्ट हो गए, एक रेवेन्यू पार्ट, एक एक्सपेंडिचर पार्ट। ठीक है, एक्सपेंडिचर पार्ट वो कि जहाँ से रेवेन्यू आएगी वो कहाँ खर्च करेगी, और रेवेन्यू पार्ट में ये है कि वो टैक्स कहाँ से लेगी। वो टैक्स लेगी वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, एक है सेंट्रल बोर्ड है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, उनके थ्रू वो टैक्स कलेक्ट करेगी। तो एक रेवेन्यू का मतलब इनकम ही होता है जी, रेवेन्यू का मतलब वही होता है इनकम, मतलब कैसे पैसा कमाते हैं। हाँ, उसका इनकम हो गया ना, वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसकी इनकम हो गई टैक्स, तो इनकम हुई तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट ही कंप्लीट हुआ छोटा सा, इसमें बताइए कोई कंफ्यूजन हो तो। नो सर, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। यस सर। ये देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। अब जो इनकम टैक्स एक्ट की हम बात करें 1961, तो इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट है, जो आप ये चेक कर सकते हो, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं। ये कैसे कैसे पार्ट में बटा हुआ है, ये 23 चैप्टर्स में बटा हुआ है, कोई कैटेगरी वाइज कुछ कैटेगरी है, ठीक है, तो वो 23 चैप्टर्स में बटी हुई है, आप चेक कर सकते हो। देखिए चैप्टर वन आप चेक कर सकते हो, चैप्टर वन, चैप्टर वन में कुछ सेक्शंस हैं, यहाँ पर सेक्शंस हैं कुछ, तो चैप्टर वन में जो सेक्शंस हैं उसमें सेक्शन 1, 2, 3, इसमें मान लो बेसिकली डेफिनेशन है। उसके बाद चैप्टर टू है,
चैप्टर टू में बेसिस ऑफ चार्जेज है कि किस किस पे टैक्स लगेगा, क्यों लगेगा, कब लगेगा। उसके बाद चैप्टर थ्री है, चैप्टर थ्री में वो है कि भी कौन कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, ये टैक्स फ्री इनकम है सारी। ये बस मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, अभी डिटेल में मैं बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। जैसे चैप्टर फोर हो गया है, ये जैसे चैप्टर फोर है, चैप्टर फोर में आपको हेड ऑफ इनकम आएगा। हेड ऑफ इनकम में जैसे चैप्टर फोर का पार्ट ए हो गया सैलरी, बी हो गया हट गया है, सी हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डी हो गया प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब ये सारे सेक्शंस हैं, देखिए ये सारे सेक्शंस हैं, कुछ चैप्टर्स में है, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर जो फोर है उसमें कुछ सेक्शंस हैं। सर आप वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे मतलब टैक्स को मतलब बचत की जा सकती है? हाँ, वो सारा आएगा आपका डिटेल में। अभी तो इनकम टैक्स तो ओके अब तो मुझे लग रहा है कि 1 महीना लग जाएगा इनकम टैक्स कंप्लीट होने में। कोई नहीं सर, जितना ज़्यादा लगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए, अब ये चेक कर सकते हैं चैप्टर फाइव, ठीक है, और चैप्टर सिक्स। तो ये डिफरेंट चैप्टर्स में बटा हुआ है। उसके बाद सेक्शन है, इसमें 298 सेक्शन है, टोटल 298 सेक्शन है इसमें, ठीक है। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि भी हर चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस हैं, उसके बाद है शेड्यूल्स, इसमें लास्ट में शेड्यूल्स है इसके, जो 14 शेड्यूल में है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई चीज़ की अगर प्रोसीजर लिख रखी है कि जो मतलब कि अगर सेक्शंस में तो रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, कि आपको उसका रूल क्या है, उस सेक्शन क्या बोलता है आपको कि कितने पे टैक्स लगेगा, कितनी रेट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। अब बट कई बार ये होता है ना कि जैसे आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है, तो उसमें तो लिखा है कि इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल सेक्शंस में लिखा है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल किसको करनी है, कब करनी है, क्यों करनी है, ठीक है, बट उसमें ये नहीं लिखा होता कि कैसे करनी है। क्योंकि कैसे में तो ये ना कि बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, तो कैसे जो लिखा होता है वो शेड्यूल्स में लिखा होता है, वो रूल्स में लिखा होता है। तो मैं आपको जब मैं रूल्स बताऊंगा, रूल्स आगे आएगा, ये एक्ट है, रूल्स आगे आएगा। अभी कुछ शेड्यूल्स में भी लिखा रहता है कि कोई मान लो अगर ये होता है कि जो हाउस रेंट अलाउंस है, जैसे मान लो कहीं एक्ट में लिखा है कि हाउस रेंट अलाउंस है वो 10% टैक्सेबल है और डिफरेंट स्टेट में अप्लीकेबल है, ठीक है। मान लो सिक्स स्टेट में 10% है और 10 स्टेट में 15% है। अब वो जो 10 स्टेट और 6 स्टेट है वो कहाँ लिखे हुए हैं, तो वो शेड्यूल्स में आपको दिखेंगे, टोटल शेड्यूल्स में आपको दिखेंगे। तो आप बोल सकते हो शेड्यूल्स में क्या आता है, कोई लिस्ट आ गई, कोई मान लो कोई स्टेट की लिस्ट आ गई या कोई पर्सन्स की लिस्ट आ गई कि डिफरेंट कंपनी पे ये रूल अप्लीकेबल हो गया, तो वो कंपनी की लिस्ट है वो कहाँ होगी, वो आप शेड्यूल्स में चेक कर सकते हैं। या कोई प्रोसीजर आ गई, अब जैसे पेज नंबर 822 से स्टार्ट होता है, आप अगर चेक कर सकते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए आप शेड्यूल चेक कर सकते हो, द फर्स्ट शेड्यूल। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है वो चैप्टर्स में बटा हुआ होता है, वो हर चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं और लास्ट में उसके कुछ शेड्यूल्स होते हैं, जो जिसको अनेक्सर्स भी बोल सकते हैं, कि अगर एडिशनल डिटेल आपको अगर देनी हो तो शेड्यूल्स में मिलेगी। तो सिंपल से ही हो गया, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, वो 23 चैप्टर्स में बटा हुआ है और सेक्शंस 298 में है और टोटल उसके जो शेड्यूल है वो 14 है। चैप्टर 23 में कैटेगरी वाइज सेक्शंस हैं और सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके, वो शेड्यूल 4 में कोई लिस्ट या प्रोसीजर है। अगर हम सिंपल सी बात करें कि इंडिया में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बट हम ये बोल सकते हैं कि वो टैक्स कितना कितना कलेक्ट होता है। एक बेसिकली हम फाइनेंशियल 2021 की बात करते हैं, तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसका जो डेटा है वो ये बोलता है कि हमारी इनकम जो होती है, जो रेवेन्यू की जो इनकम होती है वो इनकम कितनी होती है, कस्टम ड्यूटी से 1.32 लाख करोड़ हो जाती है। आप ये बोल सकते हो फाइनेंशियल 2021 का डेटा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी जो होती है वो 1.32 लाख करोड़ हुई है, तो ये तो बहुत कम पार्ट हो गया।
जो मेजर पार्ट है वो देखिए कॉरपोरेट टैक्स का हो गया, जो कंपनीज पे जो टैक्स लगता है वो 4.57 लाख करोड़ लगा था 2021 में, मतलब कि उन्होंने कलेक्ट किया था इतना कंपनी से टैक्स। अगर आप पर्सनल टैक्स की बात करें तो पर्सनल टैक्स देखिए 4.88 लाख करोड़ हुआ था। आपको बस मैं बेसिक ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा भाई ये आइडिया रहे कि भी कस्टम ड्यूटी में टैक्स कितना कलेक्ट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल टैक्स में टैक्स कितना कलेक्ट होता है। सर हाँ जी, मेरा एक डाउट है। हाँ जी सर, जो असेसमेंट ईयर होता है और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो डिफरेंट होते हैं क्या? हाँ जी डिफरेंट होता है। मतलब कैसे? जैसे अभी जो आपने इनकम टैक्स की, अगर किसी ने इनकम टैक्स की रिटर्न अभी सबमिट की थी ना, तो उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन से ईयर की थी? 2021-22 की थी, ठीक है। मार्च 22 तक जो भी आपने इनकम कमाई है, 1 अप्रैल 2021 से लेके मार्च 22 तक जो फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम कमाई है आपने, वो उसका फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है। कि भी फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि आपने इनकम जनरेट की है वो कौन सा ईयर है, ठीक है। और उसके बाद जो इनकम जनरेट कर लिया आपने, उसके बाद आप टैक्स कौन से ईयर में दोगे, उसके नेक्स्ट ईयर में दोगे टैक्स, या आपका जो असेसमेंट होगा, असेसमेंट मींस कि जो आप जो करंट ईयर, हाँ जी जिसमें हम देते हैं, हाँ, वो जो टैक्स दोगे ना, बाकी जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो आपने इनकम जनरेट की उसका हाँ, टैक्स आप अगले साल दोगे, तो अगले साल क्यों दोगे? हाँ, 22-23 में दोगे, अगले साल में क्यों दोगे? वो इसलिए दोगे क्योंकि बजट कब आता है, लगभग फरवरी में आता है, ठीक है। तो फरवरी में जो बजट आता है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है? वो अगले साल के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब फरवरी में जैसे ही बजट आया उसमें ये बता दिया कि भैया दो दो जो 2021-22 में जो भी इनकम जनरेट हुई है उस पर टैक्स ये लगेगा, ठीक है। तो इसलिए असेसमेंट ईयर वो होता है कि उस इनकम का असेसमेंट कब होता है, तो 21-22 नेक्स्ट ईयर, हाँ, तो नेक्स्ट ईयर असेसमेंट होता है, इसलिए इसलिए उसको वो बोलते हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया जिसमें हम अर्न कर रहे हैं, और असेसमेंट ईयर जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर है जिसमें, हाँ, जब आपका असेसमेंट होता है, आपका असेसमेंट होता है। अब आप चेक कर सकते हैं कस्टम ड्यूटी है 1.32 लाख करोड़ रिसीव हुई थी, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स है 4.57 लाख करोड़ रिसीव हुआ था, पर्सनल टैक्स है लगभग इतना ही है, कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स लगभग इतना ही है। वो जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी देखिए, सबसे बड़ा पार्ट जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी का है जो 9.39 लाख करोड़ रिसीव हुआ था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स दोनों इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स और जीएसटी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग इक्वल आता है वो, और जो सबसे कम पार्ट होती है वो एक्साइज ड्यूटी की होती है। अब देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट जो होता है वो कैसे कैसे डिवाइड होता है, कि आप इनकम टैक्स लो अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, आप इनकम टैक्स लो अगर पढ़ेंगे या डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जो मैंने अभी दिखाया था आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स रूल्स 1962, ठीक है। रूल्स में क्या होगा, रूल्स में मैंने आपको पहले बताया था कि एक्ट में जैसे लास्ट में कुछ शेड्यूल्स थे जिसको अनेक्सर भी बोलते हैं, उसमें मान लो कुछ समरी थी कि जो एक्ट में नहीं आ पाई, कुछ एडिशनल डिटेल बोल सकते हो, बट वो अगर डिटेल में अगर आपको देखना है तो आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मान लो बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स के जितने भी फॉर्म होते हैं वो, चाहे ITR हो गया, ठीक है, या आपके जितने भी फॉर्म होते हैं वो सारे हैं वो इनकम टैक्स रूल्स में लिखे रहते हैं, या आपकी जो कोई प्रोसेस होती है कि आपको कैसे करना है, जैसे जैसे अगर डिपार्टमेंट अगर आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करेगा या अगर आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा तो उसकी क्या प्रोसेस है पूरी, वो सारी आपको इनकम टैक्स रूल्स में दिखेगी। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट, तो फाइनेंस एक्ट में जैसे मैंने आपको बताया था जो एनुअल बजट आता है जो फरवरी में आता है तो वो फाइनेंस एक्ट होता है, तो फाइनेंस एक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी स्लैब रेट होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ नोटिफिकेशन है जी, स्लैब रेट वही जो रिवाइज होते रहते हैं, हाँ जी रिवाइज हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, बट फाइनेंस एक्ट तो आएगा, बजट आएगा पूरा। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, हो सकता है कि एक्ट तो बन गया बजट भी आ गया बट कुछ नेक्स्ट बजट अब कब आएगा, नेक्स्ट बजट तो अगले साल आएगा बट उसके बीच में अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहे तो कैसे करेगी, तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू करेगी वो,
या सर्कुलर के थ्रू करेगी या कोई गाइडेंस नोट के थ्रू करेगी। तो जो भी अगर टू बजट के बीच में कोई भी अगर चेंजेस करना है वो नोटिफिकेशन के थ्रू होगा, ठीक है, या सर्कुलर के थ्रू होगा, क्योंकि अगर बजट आया तो वो एक्ट का पार्ट बन गया बाद में, ठीक है, बट जब दूसरा बजट आएगा उसके बीच में कुछ गैप रहता है तो वो फिर नोटिफिकेशन या सर्कुलर के थ्रू होगा। उसके बाद लास्ट में आता है केस लॉज एंड जुडिशियल डिसीजंस, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क डिसीजंस होते हैं उसको केस लॉ जुडिशियल डिसीजन बोलते हैं। तो वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे जब आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। अब देखिए ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट है। जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है इनकम टैक्स की उसमें देखिए कौन कौन सी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। एक है इनकम टैक्स इंडिया .gov.in, इसमें इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स रेगुलेशन एक्ट सर्कुलर्स नोटिफिकेशन सारे हैं इसके अंदर। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, वही ना जिसमें पैन नंबर लिख के लॉगिन करना पड़ता है, नहीं वो अलग है। वो अलग है, ओके। ये देखिए ये है इनकम टैक्स इंडिया .gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की। इसमें आप देखिए चेक कर सकते हैं, इसमें देखिए इसमें टैक्स लॉ एंड रूल्स, यहाँ पर देखिए टैक्स लॉ एंड रूल्स है, दिख रहा है सबको। कैसा दिख रहा है? उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो आपको मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा टैक्स लॉ एंड रूल्स। इनकम टैक्स जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो आपको तभी समझ में आएगा तब आपको टैक्स लॉ एंड रूल्स पता चल जाएगा। तो हम जैसे अगर हम टैक्स लॉ एंड रूल्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो अगर हम व्यू मोर में जाते हैं, अब देखिए मैंने देखो पहले क्या बताया था, एक्ट बताया था, पहले आपको एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स एक्ट आ गया, ब्लैक मनी से रिलेटेड एक्ट आ गया, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट आ गया, और ये जितने भी एक्ट हैं वो सारे हैं इसमें। ये देखिए गिफ्ट टैक्स एक्ट हो गया, वेल्थ टैक्स एक्ट हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, ये सारे जितने भी टैक्स हैं ये सारे एक्ट हैं। कॉपीराइट एक्ट हो गया, जो भी आप पढ़ना चाहें आप यहाँ पर आगे चेक कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ये सारे जो लॉ से रिलेटेड हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, जितने भी एक्ट है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बट हमको तो अभी इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है तो हम वहीं आ जाते हैं, ठीक है। अगर हमको एक्ट पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट तो हम इनकम टैक्स एक्ट में आए, ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट में देखिए सेक्शन वाइज लिख रखा है, इसमें हम सेक्शन वाइज चेक कर सकते हैं। जैसे ही हम सेक्शन वन को ओपन करेंगे, देखिए इस सेक्शन वन का बियर एक्ट आपको ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहीं से जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, आप यहीं से नेक्स्ट जा सकते हैं। अब जो भी बियर एक्ट है वो सारा इसमें है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं रूल्स, ये देखिए जो टैक्स लॉ एंड रूल्स में एक्ट हमने अभी देखा था, अब आप रूल्स में जा सकते हैं। इसमें देखिए इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स में मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसीजर हो गई या कोई फॉर्म्स हो गए सारा इसमें है, वो सारे देखिए रूल वाइज है। रूल वन, रूल 2, रूल 2A, रूल 2B, ठीक है। तो आपको ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे बजट एंड बिल्स में, अब फाइनेंस एक्ट, आप डायरेक्ट फाइनेंस एक्ट चेक कर सकते हैं, फाइनेंस बिल चेक कर सकते हैं।
अब देखिए फाइनेंस एक्ट, आप यहाँ चेक कर सकते हैं फाइनेंस एक्ट 22, तो ये भी चैप्टर वाइज है पूरा। पर ये अपडेट होता रहता है हर बार? हाँ जी, हाँ जी अपडेट रहता है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये बोल सकते हो। ओके, मतलब आप कहीं भी बुक्स में कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। उसके बाद अगर सर्कुलर नोटिफिकेशन में आएंगे, जैसे आप नोटिफिकेशन में आए, अब जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में भी रहेगा, और जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब देखिए तो नेक्स्ट वेबसाइट आती है हमारी, वो आती है इनकम टैक्स .gov.in। इसको कॉपी करके वहाँ इसको पेस्ट करते हैं। ये तो वही हो गया। मुझे लग रहा है कि वेबसाइट डाउन है। तो वेबसाइट बहुत डाउन रखी है। हाँ जी, ये एक्चुअल में न्यू वेबसाइट बनाई है, पहले अलग थी ये। सर मैं कहता रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी को जब से दिया वाट लगी हुई है उस वेबसाइट की। अब मेरे पापा ने जो रिटर्न भरी थी उसे प्रोसेस होने में बहुत टाइम लगा। अच्छा, लेट हो गया वो रिटर्न भरना मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत हुआ, वो रिफंड आया था। रिफंड सर आपको यकीन नहीं होगा, 8 मंथ्स बाद आया। 8 मंथ? हाँ वाओ। अब देखिए 4 लाख या 5 लाख, 4 लाख का रिफंड? हाँ बहुत टाइम लगा। 4 लाख इनकम या 4 लाख रिफंड? रिफंड रिफंड रिफंड। वाओ, बहुत टाइम लगा। ये बहुत निकाल वेबसाइट है। 4 लाख इनकम होगी, रिफंड नहीं होगा? नहीं सर, रिफंड नहीं करना था वो। एक्चुअली पता है क्या, जो पापा जो पहले थे ना, जो पिछले साल मतलब भरते थे, आई थिंक 2 या 3 इयर्स का था, उस वक्त पापा को पता नहीं था कि कैसे मतलब बचत करते हैं, क्या क्या मतलब टैक्टिक्स होते हैं। तो हमने किसी से भरवाया था अकाउंटेंट से, तो उसके साथ वापस करवाया। चलो कोई बात, सॉरी। अब देखिए जो नेक्स्ट वेबसाइट हमारी वो है इनकम टैक्स पोर्टल, incometax.gov.in। आप यहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इसमें देखिए आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा पहले, जब आपको मैं बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे बनेंगे भरेंगे तब आपको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको। बस मैं आपको अभी तो बेसिक बेसिक बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हो तो यहाँ पर गाइडेंस भी आपकी आपके लिए गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न, रिटर्न फॉर्म्स अप्लीकेबल, कौन सा अप्लीकेबल है, क्या स्लैब रेट रहेगा, ठीक है, ये सारी डिटेल है इसमें। अब देखिए ये पूरा स्लैब रेट है इसमें, कौन सा स्लैब रेट आप पे अप्लीकेबल होगा अगर आप इंडिविजुअल हो तो, ठीक है, आपने इंडिविजुअल एच पे किया था। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट क्या होता है वो रूल्स में आपको मैं बताऊँगा, नॉन रेजिडेंट पे क्या स्लैब रेट है, गाइडेंस क्या है, गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। तो इसके लिए ITR 2 है, उसका यूज़र मैनुअल क्या है, या FAQ भी आप देख सकते हैं इसमें। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी, या इनकम टैक्स के रिटर्न आप कैसे भरेंगे, कोई फॉर्म कैसे भरेंगे, वो सारे इसमें आ जाएगा। स्लैब रेट चूज कर सकते हैं कि ओल्ड में भरना है? हाँ ओल्ड न्यू आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। मतलब कोई मतलब जरूरी नहीं कि मतलब स्ट्रिक्टली की नहीं होगी। हाँ आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी, बट ये कि न्यू में, अगर न्यू में है ना आपको फिर वो डिडक्शंस नहीं मिलेगी, वो सारी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो आपको कंपेयर करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे तो सेकंड करनी है तो करनी है, न्यू करनी है तो करनी है, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है वो करना है आपको। हाँ, क्योंकि न्यू इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट। हाँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने मान लो TDS काट लिया आपका ओल्ड के हिसाब से तो आप लड़ने चलेगी, नहीं नहीं आपने न्यू के हिसाब से क्यों नहीं काटा। तो ये हो सकता है ना आपके लिए बेनिफिशियली वो ओल्ड हो। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आती है उसमें आती है tin nsdl.com।
ये देखिए, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में देखिए, आपको अगर पैन नंबर अप्लाई करना हो, टैन नंबर अप्लाई करना हो, ई टी डी एस टी सी एस से रिलेटेड कोई भी फॉर्म डाउनलोड करना हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो, जितनी भी चीज़ें हैं, आधार का पैन से लिंक करना हो उससे रिलेटेड हो गया, ऑनलाइन कोई पैन सर्विस हो गई, ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। आपको अगर टी डी एस के रिटर्न फाइल करनी है तो उससे रिलेटेड जो भी आर पी यू चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। आप देखिए, ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ये डाउनलोड के ऑप्शन में है। ये सारे सॉफ्टवेयर है कि क्वार्टरली रिटर्न से रिलेटेड हो गया, ई ट्यूटोरियल क्या है, उसके बाद फॉर्म 24G क्या होता है, ई आई आर क्या होता है, ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन, टैन पैन, ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये कंटेंट्स डॉट टी डी एस सी पी सी डॉट जी ओ वी डॉट इन। ये देखिए, इसमें जो भी आपने टी डी एस की रिटर्न फाइल किया है वो प्रोसेसिंग कैसे होती है, तो उसमें एक है टी डी एस, आप देखिए आप चेक कर सकते हैं, टी डी एस रिकन्सिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम है, जिसको ट्रेसेज बोलते हैं। टी डी एस रिकन्सिलेशन एनालिसिस एंड करेक्शन इनेबलिंग सिस्टम है जिसको ट्रेसेस बोलते हैं। तो इसमें जो भी आपका जो टी डी एस आपने रिटर्न फाइल की, किसी का आपने टी डी एस डिडक्ट किया या टी सी एस डिडक्ट किया, तो उस आपने जो भी टी डी एस की रिटर्न फाइल की है उसकी, ठीक है, तो फॉर्म 16 है या 16A है, वो कैसे जनरेट होगा, वो यहीं से जनरेट हो जाएगा सारा। और अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो यहाँ से करेक्शन हो जाएगा। तो जब मैं टी डी एस से रिलेटेड बताऊँगा तो आपको डिटेल में मैं बताऊँगा इससे रिलेटेड। अब बताइए कोई डाउट हो तो। हाँ जी, जो स्लैब रेट्स होते हैं वो मतलब इनकम के उससे डिवाइडेड होते हैं ना, मतलब जैसे जिसकी लैक 2 लाख टू इतना हो मतलब उसको इतना परसेंट रहता है, ऐसे रहता है ना? हाँ जी, ऐसे ही होता है। जैसे ये ना कि जो स्लैब रेट होता है वो मैन और वुमेन का अलग हो सकता है, उसके बाद सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, वो अलग हो सकता है। अच्छा, और उसके बाद उसमें स्लैब रेट का मतलब ये हुआ कि कुछ स्लैब्स हैं इसकी कि 2,50,000 तक उसकी 0% टैक्स है, उसके बाद 25,00 से लेके 5 लाख तक है वो 10% या 5% या 20% जो भी स्लैब रेट है वो टैक्स है। तो स्लैब रेट का मतलब ये हुआ कि अलग अलग इनकम के हिसाब से आपको अलग अलग टैक्स लगेगा। ओके सर, इसमें तो सर एजुकेशन से एजुकेशन सेस या और भी सेस है वो भी इंक्लूडेड होते हैं ना वो मतलब? सबसे लास्ट में लगेगा, जब आपका टैक्स डिसाइड हो जाएगा ना कि आपको टोटल टैक्स कितना पे करना है, यस सर, ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में लगेगा कि अब टोटल टैक्स आपका आ गया और फिर उसके बाद वो एजुकेशन सेस कितना लगेगा वो टैक्स डिसाइड करने के बाद आएगा। ऐसा नहीं कि पहले आपका एजुकेशन सेस लग गया उसके बाद आप टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा वो सर। सब। तो डिडक्शंस और एग्जेम्पशन है वो दोनों डिफरेंट है ना, मतलब उसकी अलग लिस्ट होगी हाँ डिडक्शंस जी, की? एग्जम्पशन जैसे ये है कि एग्जम्पशन का मतलब ये हो गया कि आपकी ये एग्जम्प्ट इनकम है तो वो टैक्सेबल इनकम में ऐड ही नहीं होगी, ठीक है। और डिडक्शन ये है कि पहले आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम पता चल गई इतनी है, ठीक है, वो ऐड तो हो गई, उसके बाद इसमें से कितना डिडक्शन हुआ भी, टैक्सेबल इनकम आपकी अगर मान लो 100 रुपीज़ है और यस उसमें से सर, आपको कुछ डिडक्शन करना है तो 10 रुपीज़ आपने डिडक्शन कर लिया तो आपका फिर नेट टैक्सेबल इनकम आ गई 90 90 आ गई। और अगर हम यस एग्जम्पशन की बात करें तो जो 100 रुपीज़ जो आपका जो टैक्सेबल इनकम आई थी, तो अगर आपकी 10 रुपीज़ अगर एग्जम्पशन है तो आपकी 10 उसमें इनकम में से ही माइनस कर दो तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वही 90 हो जाएगी। भी डिडक्शन के केस में तो टैक्सेबल इनकम आपकी 100 हुई थी, हाँ ठीक है, उसमें से हाँ डिडक्शन लेस हाँ होके और फिर उसमें आएगी अमाउंट। एग्जम्पशन में ये कि आपकी टैक्सेबल इनकम ही माइनस हो गई और तो सर एग्जेम्प्ट के कुछ एग्जांपल्स होंगे एग्जेम्प्ट अमाउंट्स के? एग्जम्प्ट अमाउंट के आप बोल सकते हो एग्रीकल्चरल इनकम हो गया,
पहले डिविडेंड हुआ करता था, जब डिविडेंड टैक्स लगता था कंपनी पे, क्योंकि कंपनी उस पे डिविडेंड टैक्स पे करती थी। बट उसके बाद कुछ रूल चेंज हुआ तो डिविडेंड इनकम वो एग्जम्प्ट इनकम से बाहर हो गई। तो जब मैं एग्जम्प्ट इनकम के बारे में डिटेल में बताऊंगा तो सारा आ जाएगा उसके अंदर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट है किसी को? कोमल जी कोई डाउट है नो आपको? मनी जी? सर, सर तो कल से फिर हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। आज अभी बेसिक स्टार्ट हुआ नहीं है। आज तो हमने बस ओवरऑल अभी पढ़ा था कि इनकम टैक्स क्या है और इनकम टैक्स में कुछ कौन कौन सी वेबसाइट्स है जो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। ये पीडीएफ आप शेयर कर दीजिएगा। हाँ पीडीएफ कौन सी? ये लो वाली, एक्ट वाली? जी, एक्ट? नहीं जो आपने वेबसाइट वगैरह की डाली थी ना अभी। अच्छा, वो तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट। हाँ जी, हाँ जी, कोई हाँ जी, कोई बात नहीं, कर सर लेंगे। वैसे सारा आज फिर मैंने तो ये इसकी वेबसाइट नोट पर लिखा शेयर था। कर देना। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए फिर आज का एंड करते हैं, अगर किसी को डाउट नहीं होता। और सर कोई डाउट नहीं? ओके सर, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।